आज पाकिस्तान के कराची शहर के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारे लायंस भाई इकट्ठा हुए हैं अपने अजीज लायंस क्लब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए। हमें बता पाकिस्तानी अशोक मेहता अने एमनी टीम ने भले पधारिया अने वेलकम करी रिया छे। हिंदुस्तान का बंदा लायन अशोक मेहता, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदर, आज अपने पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। गुलाब का फूल भारत की धरती से पैदा हो या पाकिस्तान की सरजमीन पर, खुशबू में कोई फर्क नहीं आता। चांद की ठंडक जितनी भारत में महसूस की जाए उतनी पाकिस्तान में भी महसूस होती है। ऐसा ही इंसानों की दोस्ती का रिश्ता है, उसे कोई सरहद बांध नहीं सकती, कोई सीमा रोक नहीं सकती। आज वही दोस्ती का नजारा हम कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के लायंस अपने अजीज इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अशोक मेहता को गले लगाना चाहते हैं, हाथ लगा के छूना चाहते हैं, गुलाब के हार पहना के दोस्ती की महक बढ़ाना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं एक मासूम प्यार भरी दोस्ती को ढूंढती हुई अशोक मेहता जी की आंखें। उनकी कोशिश भी यही रहेगी कि दोस्तों के जज्बात की कद्र की जाए। सबको बड़े प्यार से गले लगा रहे हैं और पाकिस्तान के लायंस का प्यार उन्हें इतना ज्यादा मिला, इतने गुलाब के फूलों के हार मिले कि मानो उनका हाथ और फूलों के हारों के बोझ से झुकी हुई उनकी गर्दन पाकिस्तानी लायंस की दोस्ती को सलाम कर रही है। कराची शहर अपनी सफाई और खूबसूरत मंजर के लिए मशहूर माना जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे चौड़े रास्ते, मानो जैसे एक इंटरनेशनल शहर की तस्वीर लग रही है। एयरपोर्ट से लायन अशोक मेहता जब होटल पहुंचे तो वहां भी उनका शानदार संगीत भरा इस्तकबाल हुआ। कराची के शानदार होटल में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन अशोक मेहता के स्वागत के लिए एक शानदार फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। मेरा नाम लाइन मोहम्मद आसिफ है और मैं इनकमिंग कौंसिल चेयरमैन हूं MD 305 का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लायनिज्म का बहुत प्रॉस्पेक्ट्स है, बहुत स्कोप है। यह गरीब मुल्क है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं और हकीकत यह है कि हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं
वो बहुत ज़्यादा लाइनिज्म और सोशल सर्विस कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो कमी है वो है हमारी अवेयरनेस की और इंफॉर्मेशन की, मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हम अपने साल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइनिज्म को फ़रोग दें और लाइन्स बढ़ाएँ, यही हमारा काम है। आई एम लॉइन डॉक्टर अमीन गुल्फ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फ्रॉम पाकिस्तान। माई मैसेज इज़ दैट वी हैव प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म टू सर्व एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड शुड जॉइन दिस प्लेटफॉर्म टू सर्व द ह्यूमैनिटी। आई एम सुल्तान नूरानी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पाकिस्तान पंजाब। इन माई नॉर्थ एरिया देर इज़ अ स्कोप ऑफ द लॉट ऑफ वर्क, वर्क फॉर एजुकेशन, वर्क फॉर मेडिकल सर्विसेज, वर्क फॉर द पुअर्स। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज जॉइन लाइनिज्म, इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ द सर्विसेज। In my capacity as the immediate past international director and the Mission 30 leader, I am privileged and honored to be here when Pakistan celebrates their 50th anniversary celebrations of Lionism. शामिल होने के लिए लायंस क्लब के नुमाइंदे पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, यानी कि पाकिस्तान के हर कोने से इकट्ठा हुए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की खास सलाहकार और मिनिस्टर लायन नीलोफर बख्तियार इस मौके पर इस्लामाबाद से खास कराची आई। पाकिस्तान के लायंस आज लायंस क्लब की 50वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान के लायंस ने आवाम की खिदमत के लिए बहुत सारे काम किए। इसको मद्देनजर रखकर लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन डॉक्टर अशोक मेहता
उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें नवाज रहे। कराची का ये छोटा बच्चा अपनी सालगिरह के मुबारक दिन पर $1,000 अच्छे काम के लिए लायंस क्लब को डोनेट कर रहा है। उसके जज्बात की इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कद्र कर रहे हैं। आज हमारे बीच में देवभर बख्तियार जो हमारे लायंस क्लब के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, बाद में वो हमारे लायंस क्लब के पास इंटरनल डायरेक्टर बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज ए लायन व्हेन वर्किंग फॉर द लायंस क्लब एंड नाउ इंडियन पॉलिटिक्स? वेल, इफ यू वॉन्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, आई वुड से दैट आई वॉज हैप्पियर व्हेन आई वॉज वर्किंग एज ए लायन ओनली. Then when I grew stronger, I became the district governor, then the council chairperson, and then finally I won the elections of international director. My responsibilities became more and more, and my workload increased. But the pleasure and the reward of helping people all over the world was so great and tremendous that I enjoyed everything. Every minute of Lionism was something that inspired me and that gave me the conviction to move forward and do more for people everywhere else, to work for the downtrodden, to work for the people who needed us. It was a pleasure and I enjoyed that experience totally. Now, as a federal minister in charge of women affairs in Pakistan, this is a new kind of responsibility, which is different than being an international director of Lions Clubs International. I have to toe the party line always because I am also the president of the women's wing of Pakistan Muslim League, which is the ruling party in Pakistan today. So I can't speak out wherever I want to. I can't express my feelings as freely as I used to as a social worker. I'm representing the government of Pakistan, so I have to be at my best in my speeches, in my behavior, in my public contact. Whatever I wear, whatever I eat, and whatever I say goes on record.
पाकिस्तान के कायद आजम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मज़ार कराची में। इस मज़ार की इमारत संगे मरमर की खूबसूरत दीवारें, फर्श, चारों ओर रंगीन फूलों भरा गुलिस्तान, पानी की बौछारों को हवा में फेंकते हुए फव्वारे एक ऐसा खुशनुमा मंजर पेश करते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है और इंसान यहाँ पर शांति और सुकून पाता है। इस वक्त मैं कराची में कायदे आजम जिन्ना साहब की मज़ार पे हूँ। यहाँ पे हमारे लायंस के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन अशोक मेहता आए हुए हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين की इमारत के अंदर ही जनाब कायदे आजम जिन्ना साहब की याद में एक नुमाइश रखी गई है, जहां पर उनकी गाड़ियां, उनके नायाब फोटोग्राफ, कपड़े, जूते और दीगर असबाब आवाम के नजारे के लिए रखे गए हैं।